इस प्रकार से है, 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक मंदिर के कपाट 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे और भंडारा 2 तारीख से लेकर 5 सितंबर तक प्रातः 10 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक चलेगा और 5 सितंबर को रात्रि 8 बजे से सुबह प्रभु इच्छा तक जागरण का प्रोग्राम चलेगा, जिसके मुख्य कलाकार हमारे छोटे भाई संजय सिमार महम से शीश दुलेडिया देरवों के भजन के साथ, तो शाम से मनोज खत्री दिल्ली से, श्याम हरियाणवी पानीपत से, अनिल दुर्जनपुरिया हाँसी से, मोनू बणंदिया रोहतक से एवं सचिन त्याड़िया भिवाणी से आप लोगों के बीच में श्री ज्योतराम भगवान का गुणगान करने के लिए इस बार कलाकारों की भरमार है। सभी ने खुशी जाहिर की है, सभी कलाकारों ने एक हमें भी दिया जी नंबर दिया जाए, हम सभी कलाकारों को अवसर देते हैं बारी बारी। इस बार भी आप सभी कलाकारों को अवसर दे रहे हैं और श्री ज्योतराम भगवान के मंदिर के कपाट जो श्रद्धालु काली नाडी जाते हुए दर्शन करेंगे और आते हुए दर्शन करेंगे, रात के समय भी मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, उन सभी श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था हर प्रकार की मंदिर पर की जा रही है। आप सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तगणों का सादर निमंत्रण है। यह प्रोग्राम पीनिया म्यूजिक ज्योतराम प्रेमी पर लाइव दिखाया जाएगा और बाबा साउंड डिगावा मंडी से आप लोगों के बीच में 5 सितंबर को श्री ज्योतराम भगवान के गांव के भरिण मंदिर पर आ रहे हैं। भरिण गांव में मेला 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर और 6 सितंबर को भी चलेगा, क्योंकि सभी की मान्यता नौवीं की होती है, लेकिन कुछ श्रद्धालु दसवीं को सुबह प्रातः दर्शन करते हैं, उनके लिए सभी के लिए मंदिर खुला रहेगा, क्योंकि नौवीं 5 सितंबर की है, मेन मेला 5 सितंबर का है। आप सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भगवान के लिए। आपकी श्रद्धा श्री ज्योतराम भगवान के मंदिर से जुड़ी हुई है और मंदिर पर पत्थर का कार्य जोरों पर चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, और विश्व प्रसिद्ध धोना भी बनने के लिए जा रहा है। लोगों ने श्री ज्योतराम भगवान सेवा समिति का खुल कल के समर्थन किया है, हम सभी भक्तगणों का, सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कोई भी श्रद्धालु कोई भी सुझाव देना चाहता है तो वह सुझाव फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप